नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आ गया हूँ एक वीडियो लेकर के। काफ़ी इंक्वायरीज आती है सैनिटरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, जैसे आपका शावर हो गया, हॉस पाइप हो गया, शावर जेल पाइप हो गया, पता नहीं कितनी सारी कैटेगरी होती हैं इसके अंदर। तो यू आज पूरा दिन जो है इसी के लिए घूम रहा था। करीबन गया हूँगा मैं 20 से 25 मार्केट, 20 से 25 मार्केट में ये मान के चलिए 2-3 दुकानें ऐसी मिली जो इंडियन क्वालिटी प्रोडक्ट देती हैं। इसको थोड़ा आपको समझा देता हूं मैं। होता क्या है कि ये लोग इंटरनेशनल सप्लाई करते हैं, तो इनके पास अलग अलग क्वालिटी मटेरियल्स होता है। जस्ट लाइक इनके पास USA रिलेटेड भी है, जर्मनी रिलेटेड भी है, दुबई रिलेटेड भी है, तो उधर क्वालिटी अच्छी यूज करते हैं और वो लोग पैसा भी अच्छा देते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, ये एक बॉल वॉल्व है, इसका आपको सबको पता होगा, ये बॉल वॉल्व है, ठीक है। बॉल वॉल्व रेट तो इसने लंबा दिया, मुझे याद नहीं है, बट मैंने इससे पूछा था कि दुबई वगैरह में और USA वगैरह में और इंडिया में क्या है, तो बोली कि इंडियन जो है थोड़ा सा लो क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हैं, और लो क्वालिटी प्रोडक्ट के बाद जो है उनको चीप प्राइस चाहिए होता है। ये पीछे बैठी हुई है लुपन्या, बोलते हैं मालकिन को। तो मैंने इससे बात करी तो इसने मुझे समझाया कि सर कई क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है इनको चाहिए होते हैं इंडियंस को, तो इसने मेरे को सिर्फ इंडियन क्वालिटी के प्रोडक्ट दिखाए और उसका जो प्राइस दिया वो इंडियन प्राइस में मैच कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक होलसेलर थे दिल्ली के ही, उनको मैंने वीडियो कॉल पे लिया सारी चीज़ें, जैसे वेट हो गया, मीटर हो गया, और स्टील है, SS है, ब्रास है या क्या है, उसके अंदर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो मैं उनको लेकर के ही बात कर रहा था। तो उनको प्रोडक्ट भी दिखा रहा था, उनके लिए कुछ सैंपल भी मैंने लिए हैं, सैंपल के बारे में अभी बताऊंगा आपको। तो उनके लिए मैंने कुछ सैंपल भी लिए हैं। अब हुआ क्या है कि उनको जब दिखाया मैंने, तो वो खुद ही कह रहे थे कि हाँ सही है, क्वालिटी वाइज भी सही है, रेट वाइज भी सही है। मैं 20 दुकानें घुमाऊंगा, ये एक दुकान, दो दुकानें मैंने फाइनल करी हैं, जो खुद भी कह रही थी कि हाँ मैं इंडियन क्वालिटी प्रोडक्ट देती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सारी दुकानों पे आपको प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ मेला लगा हुआ है, मेला बहुत सारी दुकानें, जैसे अगर सैनिटरी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इसी मॉल में कम से कम 4 से 5 हज़ार दुकानें होंगी, ऐसा हर कैटेगरी में है, पेंटिंग में है, नॉल सब में है, सभी में जो है इसी तरीके की चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं, तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। जिसको मिल गया उसके लिए अच्छी बात है, जैसे मैंने ढूंढ लिया, पूरा दिन लग गया, तो इनके लिए मैंने लिया है सैंपल। सैंपल की बात ये है कि जब मैंने इनसे सैंपल की डिमांड करी, तो होता क्या है, यहाँ किसी भी शॉप में चले जाइए आप, ये आउटलेट होता है कंपनी का, तो इनके पास एक ही एक पीस अवेलेबल होता है शॉप पर। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से एक सैंपल उठा लूँ और उसको ले करके अपने साथ कैरी कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस 20 RMB है, तो अगर मैं सैंपल बाय, अभी जो मैंने सैंपल बाय किया है वो 2-2 RMB के प्रोडक्ट का मैंने 50 RMB दिया, मतलब इतने में तो अच्छा खासा माल आ जाता। बट ये है कि ये जो सैंपल प्राइस का जो मैंने 4 RMB दिया है, ये अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो ये अमाउंट जो है उसमें से डिटेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कंपनी मिल गई है, क्वालिटी के लिए सैंपल लेके जा रहा हूँ, एक एक पीस का सैंपल है, 10,000 का आसपास पड़ा है, करीबन 7 या 8 पीस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ मैंने क्या क्या बाइक सैंपल लिया है, अभी छोटा ही लिया है क्वांटिटी, बाकी सैंपल लेके जा रहा हूँ, रखूँगा अपने ऑफिस पे, जिसको चाहिए चला है, दिल्ली तो नहीं बैठूँगा क्योंकि चाइना एक महीना बिता लिया है, तो अब तो लखनऊ ही रहूँगा कुछ दिन, तो लखनऊ आ जाए सैंपल देख ले, सैंपल देख करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है वहीं पे। लिमिटेड कैटेगरी है, 7 से 8 प्रोडक्ट है, लेकिन एक बार अगर आप इसको मंगा लेते हैं या इंपोर्ट कर लेते हैं, तो आपको मुझ पे और मेरी कंपनी पे और जिनसे मैं परचेज कर रहा हूँ उस पे आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, जो मेन इम्पोर्टेंट है।
बाकी प्राइस जैसा दिल्ली वाले भाई साहब ने बताया, जो होलसेलर, तो उन्होंने बताया प्राइस आपको अच्छा ही मिलेगा और इसमें कोई वो नहीं है। अगर मेरी माने, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑर्डर क्वांटिटी क्या, कितने रुपए की रखनी चाहिए, तो मेरी बात अगर मानो तो कम से कम भाई 1.5 लाख के ऊपर का माल खरीदो तो कुछ समझ में आएगा। अब एक छोटा बिजनेस स्टार्ट अगर करने जा रहे हो तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए आज के टाइम में क्या है, इतना तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हो। 1.5 से 2 लाख रुपए की बाइंग करो, छोटी क्वांटिटी लाके मैं दूंगा, पेमेंट वही है, ऑफिस जाइए, पेमेंट जमा कर दीजिए, या करंट अकाउंट है करंट अकाउंट में डाल दीजिए, इनको पेमेंट करना और सप्लाई करना, 45 दिन में शिपिंग अपना वो सारा है, बाकी 5-10 दिन ये लोग जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लें। वीडियो ध्यान से देख लो भाई, कोई अगर डिटेल छूट जाए तभी मुझे व्हाट्सअप करके कोई डिटेल मांगना, नहीं तो सीधे सीधे एड्रेस पूछना ऑफिस का और चले आना। बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, लोग पूछने लगते हैं ये है ये है ये है वो है, भाई जो है पहले उसमें कर लो, बाकी बाद में देखते हैं यार। एक साथ तो तुम बहुत बड़े वो बन नहीं जाओगे बिजनेसमैन। 8 प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूँ, 8 प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, 8 में से 8 भी अगर नहीं करना उसमें से 2-3 चुन लो। अगर सैनिटरी डिपार्टमेंट में हो, सैनिटरी होलसेलर हो, तो जाहिर सी बात है भाई खरीद ही लोगे फिर तो, और बेच भी लोगे उसको। तो चलो कुछ मॉल भी दिखा देता हूँ और इनके यहाँ के प्रोडक्ट भी थोड़े दिखा देता हूँ। वीडियो में तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा हाँ इनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो आई थिंक सारी नॉलेज दे दी मैंने, कुछ बचा नहीं है, बाकी तो ये प्रोडक्ट सैंपल देखने के बाद ही आप लोग समझ पाओगे। चलो वीडियो दिखाता हूँ, प्रोडक्ट दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। पाइप लिया है, ये बॉल वॉल्व है, ये शावर वाला है, ये है ये है, ये इसकी शॉप है पूरी। आइटम दिखा देता हूँ क्या क्या है, इधर से देखो ये सारे वॉल वगैरह हैं, ब्रास में होते हैं या किस में होते हैं पता नहीं साला। ये नल वगैरह है, ये पता नहीं कहाँ यूज होता है। ये कुछ है, तो टोटी वगैरह है तो समझ में आती है। इसका भी सैंपल लिया है, इंडियन क्वालिटी वाला जो होता है इसका भी लिया है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप लोग ये मत पूछो मुझसे क्या क्या है सर इसके पास, कैटलॉग भेजो, क्योंकि इनके पास जो है कैटलॉग नहीं होता है, ये जो है सिर्फ वी चैट पे इनका सारा कुछ होता है। ये वाले पाइप वगैरह देखो, ये तो शावर वावर है मेरे ख्याल से। पूरी मार्केट आप लोग को घुमाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या ही देखोगे, बट ये है कि ये देख लो, तो जो ढूंढ के निकाल चुका हूँ उसी पे रहो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी पूरी मार्केट आपको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो कुछ टोटी फोटी लगी हुई हैं, वो इनसे बाद में डिस्कशन हो जाएगा क्या क्वालिटी है नॉल वगैरह, और आपको अगर कोई स्पेसिफिक सैंपल एम्पल चाहिए होगा तो वो भी मंगा लेंगे। पर प्रोडक्ट भैया ये लोग 50 RMB चार्ज करते हैं साले, चाहे वो 2 रुपए का प्रोडक्ट, 2 RMB का क्यों ना हो, 50 इनको चाहिए ही चाहिए। ये हॉस पाइप वगैरह जेट वगैरह पूरे लगे हुए हैं, शावर स्प्रे किट बोलते हो शायद, बाकी ऐसे ही देख लो। इधर शावर देख लो,
ये कुछ हैंडल्स वगैरह जो लगे होते हैं टॉवल ओवल वाले, ये सिंक वाला रखा है, ये शायद एमएम के हिसाब से होता है। देखते रहो बाबा, देखते रहो। बाकी कोई अगर डिमांड होगी आपकी तो मैं बता दूंगा, ओ सॉरी मैं बता दूंगा, आप बता देना, मैं इससे पूछ के बता दूंगा, ठीक है। क्या दिखाऊं तुमको, क्या क्या ना दिखाऊं, देखते देखते तो मैं ही थक गया। बहुत कुछ है दोस्तों, वो कहते हैं कि सारे प्रोडक्ट पे ना ही कूदो तो ज़्यादा अच्छा है, और कुछ प्रोडक्ट चुन लीजिए, कुछ प्रोडक्ट को चुनने के बाद उसी पे काम करिए। यहाँ कई सारे इंडियन भी मिले, अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई, कुछ लोग थोड़ी देर तक साथ में घूमते भी रहे और कुछ निकल गए अपने रास्ते पे। पागल हो जाओगे, सीरियसली ढूंढ नहीं पाओगे अपने लायक प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है, ढूंढ ही नहीं पाओगे। इतनी बड़ी मार्केट, ढूंढते जो है पैर थक जाएंगे, इतनी बड़ी मार्केट है। क्या ही बोलूँ यार, कितना ही तुम लोगों को दिखाऊं। पूरा सैनिटरी करना कुछ नहीं है, बस एक सप्लायर अच्छा मिल जाए उसके बाद तो आई थिंक आपको कोई रोक ही नहीं सकता। एक सप्लायर, ये देखो पूरे प्रोडक्ट लगे हैं।